कई बार हम बहुत हाइपोथेटिकल, आज की डेट में रील देख के बहुत हाइपोथेटिकल हो जाते हैं। रील सबसे ज्यादा आपका कल्याण कर रहा है आज की डेट में, ये जो शॉर्ट्स और रील्स हैं, कि एक साल में बाबू आईएएस बन के ये पहुंच जाओगे लबास ना, देखता हूं ढेर सारी पोस्ट और चलती ही रहती है, बिल्कुल गलत तरीका है। जब भी हम कोई टाइम टेबल बनाए, प्रिपरेशन करें, सबसे पहले हम ये बात क्वेश्चन पूछे, वेयर आर वी राइट नाउ, हम इस समय कहां हैं। एग्जाम्पल लेता हूं, इसको बहुत ध्यान से और बहुत ही तरीके से समझो कि टाइम टेबल हमारा बेसिकली क्या है। हम अभी कहां, एग्जाम्पल हम यहां से शुरू करते हैं, हम अभी कहां हैं, नहीं तो क्या होगा, आपने दो साल का टाइम टेबल बनाया, फिर आपने कहा साहब वो एक साल ही तैयारी करने का मौका मिल रहा है, ना आप उधर के रह गए ना आप इधर के रह गए। आपने एक साल का टाइम टेबल बनाया, आपसे प्रेशर डील नहीं हो रहा, अब आप पता चला आपने सारे सब्जेक्ट छोड़ दिए, आप टाइम पास कर रहे हैं किसी तरह से, यहां से टाइम बीते और यहां से चले जाए। कई लोगों ने ये किया, आपसे टेस्ट के मार्क्स समझ नहीं रहे, आप 8-8 घंटा पढ़ाई नहीं कर पा रहे, आप गुरुकुल का शेड्यूल फॉलो नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या होगा, आप ना उधर के रह जा रहे ना इधर के रह जा रहे। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूछना, अभी हम कहां हैं। फॉर एग्जाम्पल दो तरह के स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट ए है जिसके घर का माहौल अलग है, उसको एजुकेशन बहुत अच्छी मिली है, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ाई गई है, अच्छे टीचर हैं, अच्छा जो है उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, पेरेंट्स बड़े अवेयर हैं। मेरे फोन आते हैं पेरेंट्स के, हिंदू बचपन से पढ़ा रहे हैं, उसके घर में जो है वो पापा अच्छे खासे गवर्नमेंट पोस्ट पे हैं, और वो क्या उनके घर में कोई ब्यूरोक्रेट है, तो वो लोग पढ़ा रहे हैं अच्छे से, उनको मैपिंग अच्छे से कराई जा रही है, उनको न्यूज़पेपर पढ़ना आता है, उनकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, करिकुलर एक्टिविटीज बहुत अच्छी, बहुत से स्कूल्स में ऐसा होता है, वो पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, वो डिबेट क्लब में जा रहे हैं, उनको एक्सपोजर मिल रहा है। तो एक स्टूडेंट ए हो गया, दूसरा स्टूडेंट बी है। पहले यहां समझो, अब मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एक थोड़ा सा फंडामेंटल दिया था, अब इसको समझो कि जब हम 12th तक थे, हमें सिविक्स नाम का एक सब्जेक्ट पढ़ना था, सोशल सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, यही पढ़ना था। मैंने आपसे एक ईमानदारी से कहा था कि आपने उसको किस तरह से पढ़ा था, आप मुझे लॉजिक बताइए, जब ये सब्जेक्ट आपका था तो क्या आपने बड़ा मन लगा के पढ़ा था उसको, एक छोटा सा आपको मैथमेटिक्स दिखाया था, आपको यही था ना, किसी तरह से पढ़ के निकल जाओ, फिर अच्छा पढ़ने वाला है मैथ्स ले लेना, साइंस ले लेना। हमारी फैमिली में उस सब्जेक्ट को लेकर किस तरह की अवधारणा थी, किस तरह का कॉन्सेप्ट था हमारे यहां, इट्स वेरी पुअर सब्जेक्ट, ये आर्ट्स का सब्जेक्ट है किसी तरह, जो हमने पढ़ा भी तो क्या पढ़ा, हमने खाली प्लासी का युद्ध कब हुआ, महात्मा गांधी यहां कब आए, बस हमने फैक्ट्स रटा। पढ़ाने वाला टीचर भी कहता था भाई इससे तुम्हारा भविष्य नहीं बनेगा, भविष्य बनेगा गणित लेने से, मैथ्स लेने से, विज्ञान लेने से, हाँ या ना, या कॉमर्स लेने से, जिससे नौकरी तुम्हें मिल जाए। बताओ किसने सिविक्स बड़े मन से पढ़ी है क्लास अपने स्कूल में, हमारे तो पता भी नहीं चला हमने क्या लिखा, बहुत अधिक होता था तो राइटिंग करनी पड़ती थी, सुंदर राइटिंग होनी चाहिए, मास्टर साहब एक गाइड बुक देके चले जाते थे, टीचर बोले इसको लिख डालो यहां से यहां तक, हम लिखते रहते थे, और कॉपी भी चेक होती थी, तो उसी बेसिस पे अगर आपने ये लिख दिया भाई प्लासी का युद्ध इतने समय में हुआ वॉर, तो आपने क्या हुआ वो टिक, हाँ बिल्कुल सन सही होने चाहिए, आर्टिकल सही होने चाहिए, बस वो बस टिक हो गया, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश राइटिंग अच्छी है। और ये टीचर ये सिखाता था कि इसमें जो है राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, यही था ना। और इसके बाद किसी तरह से आपने 8th के बाद वो पिंड छूट गया आपका, डन ऐसे ही पढ़ा होगा, या किसी ने रात दिन उसमें एकदम झोंक दिया था खुद को, जैसे मैथ्स में झोंकते थे, मैथ्स की ट्यूशन, इसकी तो ट्यूशन भी लोग नहीं लगाते, मैथ्स की ट्यूशन लगती, इंग्लिश की ट्यूशन लगती है, बायोलॉजी की ट्यूशन लगती, लगती थी ना कभी तुमने लगाई सिविक्स की ट्यूशन, हाँ लगाई, अरे ये तो यार पास कर लेंगे कुंजी से पढ़ के, होता था कि नहीं होता गाइड बुक से, और वही सब्जेक्ट आज तुम्हारे लाइफ को डिसाइड करने जा रहा है, बोलो हाँ या ना। आज यही हिस्ट्री, यही ज्योग्राफी, यही पॉलिटी, यही जो हमारे सारे सेगमेंट्स हैं, यही आज तुम्हारा जो है करियर बनाने जा रहे हैं, इसमें भी तुम्हें देश के सबसे टॉप ब्रेन से लड़ाई लड़नी है, अब बताओ। सो आपको सबसे पहले कुछ टाइम लगता है इसके ब्रेन, जो आपका माइंड सेट है, ये माइंड सेट बहुत बड़ा विज्ञान है, इसको तोड़ने में लगता है, क्योंकि आपको सालों तक ट्रेनिंग करके भेजा गया है कि दिस इज नॉट रिलेवेंट सब्जेक्ट। जब तुम्हारा इसका बेस बनाने का टाइम था, तब तुम्हें बताया गया था इसको किसी तरीके से पास करना है, पापा मम्मी भी कहते थे यार इसमें इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, टाइम लगाओ जिससे तुम्हारी कल IIT में पहुंच जाओ, कल नीट में पहुंच जाओ, हाँ या ना। ट्यूशन के लिए पैसे भी उसी सब्जेक्ट के लिए मिलते थे जिसका मार्केट वैल्यू है, और उसके बाद जब आप 12th भी कर ले गए
तो समाज ने आपको तीन चार कैटेगरी में बांट दिया, ये साइंस वाला है, अच्छे मार्क्स वाला साइंस लेता है मैथ्स या बायोलॉजी, मीडियम वाला कॉमर्स लेता है, जो सबसे नीचे रह गया उसके घर वाले शादी ब्याह में बताते भी नहीं किसने क्या पढ़ाई की है, बीए कर रहा है, आर्ट्स वाला है। ऐसा नहीं कि सब कोई खराब है, लेकिन ये हमारे समाज की हायरार्की है। अब यहां पर क्या है, हमारे माइंडसेट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि जो सब्जेक्ट लीस्ट इंपॉर्टेंट था आज मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। सो आप क्या होता है, इसको कॉप अप नहीं कर पाते हो। ये रियलिटी हमें कोई बताता नहीं है कि जिस चीज को सालों तक सिखाया गया था कि ये तुम्हारे काम का सब्जेक्ट नहीं है, पास हो जाना है, किसी तरीके से इसको याद कर लेना है, इससे तुम्हारा करियर नहीं बनेगा, आज यूपीएससी तुमने चुन लिया वही सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। फिर नाइन्थ में आने के बाद जिन्होंने साइंस लेना था, मैथ लेना था, कॉमर्स लेना, उन्होंने अपना रास्ता पकड़ लिया, फिर वो आपका, अरे यार छुट्टी मिली यार, ये अकबर बीरबल मेरी समझ में नहीं आता, ऐसे बात करते थे यार, बहुत रटना पड़ता था, तो आपने नाइन्थ के उसको छोड़ दिया। अब सालों बाद ये फिर वापस आया है, अब आप इसको कॉप अप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि जैसे आप इसको टच कर रहे हो यहां पे भी आप क्या करते हो, क्यों आप 360 की क्लास में फंस रहे हो, क्योंकि जब टीचर आपको पढ़ा रहा है तो वो पुरानी यादें आपके सामने आ रही है, ज्योग्राफी है इसमें मुझे फैक्ट्स रटने हैं। क्यों हमसे स्टूडेंट कहता है कि सर हमें फैक्ट्स लिखाइए, तो मैं इसमें सोचता था कि जब ये जानता, अगर इसने एक चार साल के भी पेपर उठा के देख लेगा इसको समझ में आएगा सब एनालिटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये फैक्ट फैक्ट क्यों चिल्लाता है, क्यों ये जो ऐसी बुक्स उठाता है जिसमें फैक्ट्स ज्यादा लिखे होते हैं, क्यों इससे जब एनालिसिस करो तो इसको नींद आने लगती है। तो मैंने बड़ा जब इसमें बहुत विचार किया, बहुत शोध किया, तब समझ में आया कि ये रूट जो है वो बचपन से ऐसे खराब, मैंने खुद अपना जो एनालाइज किया, तो मुझे यही बहुत देर तक याद नहीं आ रहा था कि सोशल साइंस मुझे, मैंने किस क्लास में पढ़ी थी, मुझे बस इतना याद आ रहा था कि एक बार मड़ी मार पड़ी थी राइटिंग ठीक करने के लिए, और हमारे जो प्रिंसिपल थे वो वही पढ़ाते थे, वो ऐसे लेके चले जाते ये किताब यहां से यहां तक लिख डालो, तो मैं बड़ी देर तक अपनी मेमोरी में याद करने की कोशिश करता रहा कि मैंने पढ़ा कौन कौन सा टॉपिक था, मुझे याद ही नहीं आ रहा है, नहीं याद आ रहा है। तो अब आप ये सोचो, इसी को मैंने कहा था एजुकेशनल पैराडॉक्स, तो जब तक आप इसके लिए खुद को तैयार नहीं करोगे तब तक ये काम नहीं होगा। इसीलिए मैंने कहा कि अपनी वास्तविकता को समझो, इसीलिए आप जब कोई भी सब्जेक्ट आता है वो पुरानी यादें आपकी निकल आती हैं कि भाई ये ज्योग्राफी है इसको रटना है, हिस्ट्री है इसको रटना है, पॉलिटी इसको रटना है, और आप उसके पीछे लग जाते हो। तो आप जैसे ही मैं कहता हूं कि नहीं एनालिसिस करनी है, प्रेजेंट से जोड़ना है, उसी समय आपको घबराहट शुरू हो जाती है। यही कारण है कि आपका पढ़ा हुआ सब्जेक्ट 360 डिग्री में आपकी ऐसी तैसी कर रहा है। मैं नहीं कर रहा, आप खुद कर रहे हैं कि मैंने पढ़ा फिर भी मुझे नहीं आ रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि पढ़ते समय आपकी वो जो 6th 7th 8th क्लास की मेमोरी थी वो आपकी मेमोरी डीप रूटेड है, वो सालों, 3 साल बताइए, 4 साल आपकी प्रैक्टिस ऐसे हुई है, मैं अचानक से कहां 1 महीने में उसको बदल दूंगा, 4 साल आपने इस तरह से निकाले हैं या शायद 5 साल निकाले हैं इसी तरह से पढ़ के। तो अब वो चीज है कि ये दो स्टूडेंट के बीच का अंतर समझिए। अब ये वेल एजुकेटेड है, ठीक है, इसको अवेयरनेस है, आजकल पेरेंट्स तो इतना अवेयर है कि 12th के बाद ही कहां मेरा बच्चा जाएगा पहले से डिसाइड हो जाता है। 11th 12th, आप कभी मेरे YouTube के कमेंट देखा करो, सर मैं 11th क्लास में YS की तैयारी करना चाहता हूं, सर मैं 12th क्लास में YS की तैयारी करना चाहता हूं, अभी से ही, आप तो बहुत लेट हो गए हैं। तो अब उस कंडीशन में क्या होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है, उस फंडामेंटल को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि एक्चुअली हम कहां हैं। प्लानिंग कहां से होती है, प्लानिंग होती है आपकी अपनी पावर से, ठीक है, तो पावर मेरी क्या है यह समझना बड़ा जरूरी है। अब इन दोनों में कोई बराबरी है, इन दोनों में कोई बराबरी है? आप यहां आने के बाद पहली बार मैप उठाते हैं और मैप में भी जहां दिमाग लगता है आप उसको बंद कर देते हैं। मैंने कितनी बार कहा कि मैपिंग जरूर करिए, कि आप न्यूज़पेपर खोलिए तो उसके साथ मैप जरूर खोल लीजिए, आप नहीं करते हैं, नहीं करते ना, बहुत कम लोग, इसीलिए नहीं पता चल रहा था दार्जिलिंग है कहां बेसिकली, इसीलिए नहीं पता चल रहा था मैंग्रोव कहां है, इसीलिए नहीं पता चला था पश्चिम एशिया कहां है, नहीं पता चलता आपको, आप ऊपर की तरफ देखते हैं कहां है प्रभु, ठीक है, इस तरह से आप देखते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि आपको पता है कि ये मेरी सिविक्स की किताब है, उठाना और पढ़ के खत्म कर देना है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है? अब दोनों एक ही एग्जाम के लिए आए, और देखो इस एग्जाम का नेचर बहुत सच्चाई बता दूं, कभी मिले हो किसी आईएएस के ग्रुप से, अंदर कहीं गए पार्टी वार्टी में, कभी गए हो, कभी जाने का मौका मिला? ये सेवा अंग्रेजों ने शुरू की थी, ICS स्टार्टेड बाई ब्रिटिशर्स, और जो ICS के अधिकारी हुआ करते थे इंडियन सिविल सर्विसेज के, दे वर नोन एज एलीट,
अब तुम्हें वो सच्चाई बताने जा रहा हूं जो तुम्हें समझना पड़ेगा। दे आर एलीट। राजा बाबू भले चाहे हम कितना कहें लोक सेवक ये वो दुनिया भर का, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत, करना पड़ेगा। बट इस सेवा की पावर और इसको मिलने वाली जो सुरक्षा है ना, आज भी वो एलीट ही है। तो कभी आप ग्रुप में जाके बैठिए, देखिए, बात करिए, आपको एलीटनेस का अंदाजा हो जाएगा। व्हाट डू यू नीम एलीट। इतनी सुविधाएं मिलती हैं, 5 स्टार 7 स्टार की सुविधा इनके आसपास, जिस दिन लवासना गए उसी दिन से 5 स्टार 7 स्टार इनको मिलना शुरू हो जाता है। ये थोड़े ना लॉज ढूंढते घूमेंगे, यहां गए हैं, इनके लिए सारी सुविधाएं वीआईपी होती हैं सारी। तो ये वीआईपी का जो कल्चर इनके अंदर आ गया है, अब तो कहो नीली बत्ती लाल बत्ती उतर गई इनकी, नहीं तो ये नीली बत्ती किसी ट्रैफिक वैफिक रूल को कुछ नहीं समझते, टोए 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 करते हुए निकल जाते थे। कई बार वो भी नहीं होते, उनके रिश्तेदार होते थे तो भी टोए टोए करते निकल जाते थे। तो ये जो है ये एक वीआईपी कल्चर रहा है, ये एलीटनेस है। सो वो जो चाह रहे हैं वो एलीटनेस ही है। तो एलीट क्लास जो है वो इसके साथ जाता है, मतलब उस तरह से भाव भंगिमा, उस तरह से बात करने का तरीका, सोफिस्टिकेटेड वर्ड में बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। अब इन दोनों को एक पर्टिकुलर यूपीएससी का एग्जाम देना है। एलीट की लैंग्वेज इंग्लिश है ना आज की डेट में। हिंदी के वर्ड देखे तुमने? हिंदी के वर्ड देखे क्वेश्चन के, जो मैंने भी पॉलिटी के क्वेश्चन कराए थे? तुम हिंदी मीडियम पढ़े हो तो उस क्वेश्चन को पढ़ के बताओ कौन सा है। ये ऑस्टिन की बुक हिंदी में पढ़ रहे हो, पता तो चल ही रहा होगा, चार दो चार पेज तो पढ़े होंगे ऑस्टिन के, कुछ इधर उधर भाग रहा है। तो ना तुम इंग्लिश के रह गए ना तुम हिंदी के रह गए। तुम्हारी हिंदी वालों की, अब वो भी बेचारे सोशल मीडिया पे चैट तो करते हैं, तो वो रह गए इंग्लिश के। हिंदी आ रही इतनी कठिन, तो ना वो इंग्लिश के रह गए ना वो हिंदी के रह गए। सो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कि हम अभी कहां, इसका तुम्हें अंदाजा लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रखी है, केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हुआ, केंद्रीय विद्यालय में जानते हैं कि एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है, राइट और रॉन्ग? इसके बाद बहुत सी चीजें यहां होती हैं, एनसीईआरटी हो रही हैं, तमाम तरह की चीजें यहां हो रही हैं, मैपिंग हो रही है, एक्टिविटी हो रही है, ये लोग जाते हैं इधर उधर जाके जो है वो लेक्चर्स देना, डिबेट क्लब में ज्वाइन करना। यहां तुमने कभी जीवन में, और कम से कम सोशल साइंस के सब्जेक्ट तुमने कुंजी से ही पढ़े हैं, और पढ़ते समय तुम्हें यह भी नहीं पता था कि मैं क्या पढ़ रहा हूं या क्यों पढ़ रहा हूं, बस पास हो जाना है, और वो भी एग्जाम के एक हफ्ता पहले। ऐसे अब तुम लोग हंस रहे, इसका मतलब तुम सच्चाई जानते हो। एग्जाम से एक हफ्ता पहले वो भी किताब फटती थी, क्यों दो किताबें खरीदना, किसका भविष्य में कोई लेना देना नहीं है, आधा तूरा खाधा हम रखते हैं कुंजी में, ऐसे ही था ना। अब यहां पर आप एग्जाम देने आ गए हो, यहां रीडिंग राइटिंग वोकैबुलरी न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत मैपिंग, ये हमें जरूरत पड़ती है। अब जब ये जरूरत पड़ी तो ये दोनों क्या बराबर हैं स्केल पे? बराबर हैं स्केल पे मुझे बताओ। अब मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, स्टूडेंट आया मेरे सामने बोला आईएएस बनना है, प्रथम प्रयास में आईएएस बनना है, ठीक है। मैंने कहा आईएएस को क्या बोलते हैं? बोले भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना है। मैंने कहा लिखो, उसने प्रशासन गलत लिखा, उसको ये नहीं पता चला था बड़ा सा लिखना है छोटा सा लिखना है। अरे मजाक की बात नहीं है, तुम जिस एग्जाम के लिए आए हो तुम्हें तुम्हारी इतनी बुरी स्थिति है कि छोटा ही लगना है बड़ा ही लगना है, प्रशासन में सा बड़ा होगा छोटा होगा, कई लोग सोच भी रहे होंगे कहीं हमसे ना लिखवा लें। तो ये क्या होता है, ये चीज बताती है कि आपकी प्रिपेयर्डनेस जिसे हम लोग कहते हैं वो इक्वल नहीं है। तो फिर जब कंपटीशन जब सेम आएगा तो अपॉर्चुनिटी किसके लिए ज्यादा होगी, ए के लिए या बी के लिए? अब तुम्हारे पास खुद जवाब है। तो दूसरा तरीका यह है कि ठीक है मेरे पास्ट में मेरे साथ जो चीज हो चुकी है उसको अब मुझे नहीं दोहराना है और मुझे खुद को इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो चेतन भगत भी, अभी उनकी नई किताब भी आई है, चेतन भगत क्या लिखते हैं? चेतन भगत ये लिखते हैं, इफ यू वॉन्ट टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ, मैं बार बार इसको बोलता भी रहता हूं कि आपको जीवन में कुछ भी पाना है, लॉक योर सेल्फ इन अ रूम एंड थ्रो द कीज फॉर 2 ईयर्स। अगर आपको जीवन में कुछ भी पाना है तो अपने आप को कमरे में बंद करो, कमरे बंद करने का मतलब एक सिस्टम के अंदर डालो और 2 साल के लिए चाबी उठाकर फेंक दो,
कि बाहरी दुनिया से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, तो जहां पहुंचना चाहोगे पहुंच जाओगे, जो आज का इंडियन कॉम्पिटेटिव सिस्टम है उसके हिसाब से। 2 साल अपने आप को कट ऑफ करो, रात दिन, सुबह का सूरज, रात का सूरज, तुम्हें कुछ पता नहीं है। अपने आप को एक सिस्टम में डालो, चाबी फेंक देने का मतलब है नो ऑप्शन, चाबी फेंक देना, थ्रो द कीज मतलब क्या होता है कि मन कर रहा है यार आज वीडियो गेम खेलने, मन कर रहा है आज घूमने चले जाए, शादी में चले जाए, थ्रो द कीज मतलब जैसे जेल में बंद हो गए तो अब कोई ऑप्शन नहीं है ना, कि निकल ही नहीं सकते, यानी विकल्पहीन हो जाना, इसका मतलब होता है ऑप्शन लेस हो जाना। तो जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो सोच समझ कर तैयारी करें। आई एम ए, आई एम बी, अब आप रील देख के चले आए कि वो गाड़ी आ रही है, उतर रहे हैं पावर वाला, ये आजकल म्यूजिक व्यूजिक भी बड़ा दमदार होता है, अंदर से उबाल मार देता है। मैं नहीं कह रहा हूं, कल मेंटरशिप की एक बच्ची ने मुझे मैसेज किया कि सर रील देख के लगा था कि यूपीएससी बहुत आसान है, लेकिन अब जब एक दिन का होमवर्क नहीं पता चल हो रहा है तब पता चल रहा है कि कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। लंबा चौड़ा मैसेज आया। तो आज एक दिन, एक शेड्यूल एक दिन का मैनेज नहीं हो पा रहा मेरे से। तो लोगों को लगता है कि हम आउटपुट देखेंगे, हम सोचेंगे, मन में जोश ले आएंगे, यूपीएससी हमारा हो जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसे नहीं कहते, ठीक है। आपको यह समझना पड़ेगा मुझे इसके लिए कितना समय देना है। और मैंने पहले भी कहा था, जब आप किसी चीज को प्लान करो, सर मैं आईएएस करना चाहता हूं, 2 वर्ष देना चाहता हूं, तो आपको सिर्फ ये नहीं प्लान करना मुझे क्या पढ़ना है, आपको ये प्लान करना 2 वर्ष तक मेरा खर्चा कौन उठाएगा, फाइनेंसेस क्या है, मुझे कितना समय देना पड़ेगा, मेरी हेल्थ की अभी क्या स्थिति है, मुझे किस किस स्टेज में सुधार करना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं प्लानिंग। टाइम मैनेजमेंट और कुछ नहीं, प्लानिंग है। तो जिसकी प्लानिंग जितनी एक्यूरेट होगी, कुछ भी हो जाए मुझे हटना नहीं, एक बार मैं उतर गए मैदान में हटना नहीं है, वो स्टूडेंट का सिलेक्शन बहुत आसान हो जाता है। यूपीएससी में कॉम्पिटिशन ही नहीं है, 1-2 फेज है, उसके 1-2 फेज के बाद कॉम्पिटिशन ही नहीं है। इसी क्लास में देखो, गुरुकुल में हर बच्चे ने कसम खाई थी, मैंने पूछा था रेगुलर क्लास में आओगे, हां सर आएंगे, रोज क्लास करोगे, हां सर करेंगे, लाइब्रेरी में बैठोगे, हां सर बैठेंगे, पीछे देखो कहां गई वो सीटें, खाली क्यों है, क्या हुआ, बाहर तबीयत खराब है, पेट में दर्द है, घर वालों ने बुला लिया, ठीक है पापा कह रहे थे अभी समस्या है, हो रहा है ना, हो रहा है ना। आप खुद ही अपने साथियों को देखो, कितने लोग रेगुलर क्लास में बैठे, हर तीसरे चौथे दिन उनको ब्रह्मा की तरफ से कोई ना कोई चिट्ठी आ रही है कि भैया तुम्हारी मुसीबत लिख रहे हैं तुम्हारे जीवन में, जो घर जा रहा है वो जल्दी आ नहीं रहा है, और आपको बनना आईएएस। तो ये जो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल के बीच का जो डिफरेंस है ना, उसको आप केवल अपनी स्किल से भर सकते हो और कुछ नहीं। थ्योरी में तो आप बचपन से ही आईएएस बनने के लिए पैदा ही हुए थे, कुंडली में लिखा हुआ, आपके पंडित जी ने जब आपकी कुंडली बनाई थी तो आईएएस ही लिखा था उसमें, उन्हीं के भरोसे आप चले आए यहां पे। बट उसको आपको कर्म के आधार पर लाना पड़ेगा। अब क्या करना है, आप जो भी हैं उसके हिसाब से टाइम दीजिए। अब जैसे कई बच्चों ने मुझसे कहा, इसलिए बात करना है कि सर 2 साल का कोर्स हम 1 साल में पूरा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, तुम तो पेन ड्राइव हो, यूपीएससी पेन ड्राइव हो, और आप भी पेन ड्राइव हो, आप जो एक डिवाइस हो, कितना भी माल लोड कर दिया जाए आपका दिमाग उसको एक्सेप्ट कर लेगा। 8 से 8.5 घंटे पढ़ने के लिए मैं बोल दूं तो हाथ पैर कांपते हैं, और आप 2-3 साल का कोर्स एक साथ पूरा कर सकते हैं एक साथ। आप ऑप्शनल, कल किसी ने मुझे मैसेज किया 4-4 सब्जेक्ट जीएस के एक साथ कर रहे हैं, वो भगवान जाने वो कर क्या रहे होंगे। तो वो मुझे फिर समझ में आया कि ये वही पढ़ रहे हैं जो इंडियन, जो उन्होंने सोशल साइंस में 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ा था, 1 हफ्ते में पूरे साल भर का कोर्स खत्म है ना। इसी तरह से आप आईएएस कर रहे हो, इससे क्या होगा, आपको भी लॉस होगा, और हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं हमें भी लॉस हो जाएगा। तो हमें दोनों को लॉस ना हो, क्योंकि हमें भी बड़ा नुकसान होता है, जब हमें बहुत दुख होता है कि ये स्टूडेंट कर सकता था, टिक जाता। यूपीएससी में कॉम्पिटिशन ही नहीं है, यूपीएससी में जो कॉम्पिटिशन है वो केवल पेशेंस का कॉम्पिटिशन है। यूपीएससी में 13 लाख लड़के फ्री दे रहे हैं, 13 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, पहला पेशेंस उनका 2 महीने के अंदर चुक जाता है। आप इसी बार के आंकड़े उठा के देखो, 50% बच्चे फॉर्म भरने के बाद एग्जामिनेशन सेंटर 16 जून को नहीं जाएंगे, 50% बच्चे नहीं जाएंगे, यानी 30 लाख में से, क्योंकि ये लंबी दूरी का है। तो क्या होता है, लंबी दूरी जब आप तय करते तो आपके अंदर बहुत से अकलाहट आती है कि छोड़ो जाने दो, गिवअप कर दो। सो जो गिवअप टेंडेंसी हमारे अंदर है बचपन से ही, गिवअप। अभी आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, और ईमानदारी से बताना किसके किसके साथ ऐसा हुआ है। याद है जब
आपको यही किताबें पढ़ने का वक्त आया था जब आप बोर्ड का एग्जाम था या नाइन्थ का पेपर था, क्योंकि उसको सबको मेमोरी काम कर रही है ना। तो मेरे एक सवाल का छोटा सा जवाब दो। तो जैसे ही पेपर आने वाला था और आपको लगा था आप लटक जाएंगे, तो आपके मन में बड़ा रोना साथ होगा, इस बार अगली बार मैं पक्का ये सब्जेक्ट जो है अच्छे से करूंगा या करूंगी, पक्का कसम खाती हूं कि इस बार इस सब्जेक्ट का इस बार भगवान की तरह पास करा दो, ऊपर वाले किसी तरह पास करा दो, अगली बार हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। किसके किसके साथ ऐसा हुआ है? किसी ना किसी सब्जेक्ट में कसम खाई होगी, मन में बहुत रिग्रेट हुआ होगा, काश हमने 15-20 दिन पहले अच्छे से पढ़ लिया होता, 15 दिन मिल जाता ना, ये कर देते वो कर देते, इतना परसेंट हो जाता, इस बार तो प्रभु बस पास करा दो, मम्मी बहुत चप्पल चप्पल धोएंगी। ठीक, आपने कसम भी खाई होगी, वादा भी किया होगा, रोए भी होंगे, डायरी में भी लिखा होगा, जो जैसी आदत है। लेकिन जिस दिन तुम एग्जाम देकर आए कि हो गया और पेपर में लग रहा है पास हो जाओगे, कहां गया तुम्हारी कसमें, तुम्हारे वादे? ओ, किताब इधर, बैग इधर, हो गया बोर्ड खत्म। 15 दिन घर में बोला गया, अरे भाई आगे, अरे अब कोई तैयारी नहीं, अब सिर्फ रेस्ट होगा, टीवी होगी, वीडियो गेम होगा, निकालो मम्मी सब वीडियो गेम, आइसक्रीम, कॉमिक्स, हमारे समय कॉमिक्स हमारे लिए जुनून था। फिर वो जो तुमने वादे किए थे वो तुम्हें फिर अगले बोर्ड में याद आएंगे, काश हमने पढ़ लिया होता। सो ये जो है ये कॉन्टिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है। यहां पर भी वही चीज होती है, गिव अप कर देना। तो होता क्या है, 3-4 महीने के अंदर 50% बच्चे लटक जाए, खत्म, नहीं देंगे इस साल प्रे। फिर अगर आप इसमें टिके रहे और अपनी काम करते रहे, लास्ट में कहा ना यूपीएससी केवल 50,000 बच्चे की लड़ाई है, केवल, इससे ज्यादा है ही नहीं है। जो बहुत सीरियस स्टूडेंट बचते हैं जिनके लिए यूपीएससी डू और डाई है, वो केवल 50-60 हजार बच्चे होते, इससे ज्यादा नहीं होते। लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें बता रहा हूं, तुम अपने दोस्तों के बीच में जानते होंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट देने से पहले कई लोगों का बैग पैक हो गया, हाँ या ना? जो आपके हॉस्टल में थे, जो आपके साथ थे, कि अभी प्रीलिम्स का चेहरा भी नहीं देखा, कस्मे खा के आए थे, जोश में थे, जुनून में थे, कोई लड़कर आया था, कोई कुछ करके आया था, और कई लोगों का बैग पैक हो गया। कई लोगों का प्रीलिम्स के बाद बैग पैक हो जाएगा, वो चले जाएंगे। तो आप इनकी लिस्ट बनाओ, तो आप देखोगे आपके साथ बहुत ज्यादा लोग रुक नहीं रहे। अगर आप इस एग्जाम में रुके रह गए, टिके रह गए, अंगद का पैर जमा के, तो एग्जाम आपका है, बड़े आराम से सिलेक्शन आपका होगा, बड़े आराम से। जिनका सिलेक्शन होता हो, कोई अद्वितीय लोग नहीं होते, बड़े सिंपल से लोग होते हैं, बट वो टिके रहते हैं। और एक बार हो गया तो, मैंने उस दिन लाइन कही थी ना कि दुनिया ताने इंसान को मारती, आईएएस को नहीं मारती है। दुनिया हंसी उड़ाएगी इंसानों की, आईएएस की हंसी नहीं उड़ाई जाती है। आईएएस आपको उड़ा के रख देगा, तो जिस दिन तुम्हारे नाम के साथ आईएएस या आईपीएस लग गया, उस दिन तुम्हारी हंसी मजाक उड़ाने की हिम्मत किसी, जब तक तुम इंसान हो तभी तक तुम्हारी हंसी उड़ाई जा रही है। सो ये फिलॉसफी आपको समझनी पड़ेगी। आप 3 अटेम्प्ट बाद 4 अटेम्प्ट बाद आईएएस बन गए तो उनकी कहानियां अचानक से बदल जाएगी। आपको गोद में जब उठाया था उन्होंने, तभी भविष्यवाणी कर दी थी कि ये बहुत टैलेंटेड है। तो आपको टिके रहना पड़ेगा, बस ये याद रखिए। और मैंने देखा है कि ज्यादातर टैलेंट इसी वजह से बेकार हो जाते हैं कि वो उतना पेशेंस कैलकुलेट करके नहीं आते हैं, या तो वो अपनी वजह से नहीं आते, उनकी परिस्थितियां अच्छी नहीं होती हैं। ये एक स्टूडेंट है मेरे, 6ठी बार में आईएएस बने, तो हुआ क्या, उससे पहले 2 उन्होंने इंटरव्यू दिए, नहीं हुआ। तो अब लास्ट अटेम्प्ट बचा था, 6th अटेम्प्ट, घर में पैसे की कमी, पिताजी 3री क्लास तक पढ़े थे, घर में खपरेल का मकान, तो उन्होंने कहा कि मैं गिव अप करना चाहता हूं, अब मेरे बस का नहीं रह गया, उसी एक कमरे में बैठे बैठे सालों से मन उब रहा है, शायद मेरे भाग्य में नहीं है कि मैं अब आईएएस नहीं बन सकता। तो उनके पिता ने कहा अभी अटेंड बचा, बोले हाँ बचा, अभी ज्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं, बोले कोई बात नहीं, अभी एक खेत है मैं बेच दूंगा, अगर गए हो ना तो जीत के ही वापस आना, एक प्रयास अभी बचा है ना, अभी बहुत कुछ है, एक प्रयास ढंग से दो, हो सकता है यही तुम्हारा प्रयास हो। हालांकि वो एकेडमिकली बहुत अच्छे नहीं थे, 12वीं में फेल हो गए थे और आज वो आईएएस हैं, आज वो आईएएस हैं, वर्किंग है, और अब कोई भी पलट के नहीं उनसे पूछता कि बाबू कितना साल तुमने लिया, बाबू क्या हो गया, मकान घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, नोबडी इज आस्किंग।
बढ़िया मकान बनवा रहे हैं, फैमिली बढ़िया शिफ्ट हो रही, विला मकान नहीं विला कहते हैं उसको, शिफ्ट हो रही है फैमिली वहां पे बढ़िया। फोटो तो मेरे से शेयर की, देखिए ये किचन इतना बड़ा है, मॉडल किचन अब क्या चाहिए। वो और परेशानी के माता जी बचपन से वही अपना चूल्हा चौका पे काम किया था, अब मॉड्यूलर किचन में थोड़ा उनको हो रही है दिक्कत, ऑटोमेटिक खुल रहा है ऑटोमेटिक बंद हो रहा है। तो ये पूरा पूरा परिवार उन्होंने इकट्ठा करके एक जगह कर दिया। तो सिर्फ एक बार एक प्रयास होता है, आपको ये समझना पड़ेगा। तो मैं बार बार ये नोटिस करता हूं कि लोग गिवअप बड़ी जल्दी कर देते हैं, गिवअप कर दे रहे हैं। आपको गिवअप नहीं करना है, टिके रहिए, कॉम्पिटिशन ही नहीं है इसमें। बेकार की बातें कि इतने लोग एग्जाम दे रहे हैं, इतने लोग एग्जाम दे रहे हैं, वो देने जैसा दिखाई पड़ रहे हैं। अभी आप 16 जून को मेरी बात चेक कर लेना, पेपर है ना 16 को, इस साल जितने लोगों ने फॉर्म भरा 50% लोग नहीं पहुंचेंगे, 40% तो डन है अभी से ही। कई लोगों ने मूड बना लिया होगा कि 24 नहीं देना है, हर जगह हो रहा है ये। तो आपको ध्यान से अपना टाइम टेबल मैनेज करना है। अब आप 1 ईयर या 2 ईयर दोनों जो है वो अपना टाइम टेबल फिक्स कर सकते हैं, जैसा भी हो, जितना भी आपके पास टाइम हो आप इसके हिसाब से सेटअप करें। अब ये हमने देखा कि हमारी प्लानिंग है, अब आपको अपना बॉडी और माइंड देखना है कि आपको एक्चुअली पढ़ने क्या। जैसे बहुत से मेरे पास बहुत से फॉल्स स्टूडेंट, सर एक साल में आईएएस बन जाएंगे। वही मैंने कहा था, मैगी बना रहे हो, पास्ता बना रहे हो, बना क्या रहे हो, एक साल में आईएएस बन जाएंगे, ठीक है चलो बन जाओ। सवाल यह कि आपकी बॉडी और माइंड का सिचुएशन क्या है। ये मैं कहता हूं कि आप 2-4 दिन क्लास से शुरू करने से पहले ये जरूर लिखो। गुरुकुल का एनवायरमेंट आपके लिए बहुत काम का है, गुरुकुल का जो 4x4 कॉन्सेप्ट आपके बहुत काम का है। अब सवाल है, जैसे मैंने उस दिन एक आपको चैलेंज दिया था, आप सुबह आओ इसी कुर्सी पर बैठ जाओ और 12 घंटे का एक चैलेंज उठा लो, एक 12 घंटे। हाय, क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली, भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांक गुरुकुल कैंपस। यहां हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांक गुरुकुल कैंपस। बिकॉज when we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly. सभी के लिए 12 घंटे का चैलेंज उठा लो और देखो 12 घंटे तुम यहां बैठ पा रहे हो कि नहीं बैठ पा रहे हो। 12 घंटे घड़ी देख के चैलेंज कर लो, हम कैमरा लगा देते हैं, आप में से 8-10 लोग जो भी हैं सेलेक्ट कर लें कि 12 घंटा बैठेंगे सुबह 8 से रात 8 और चैलेंज करके देख लो क्या दिक्कत है। भाई टीना डाबी को 11th क्लास है 5 साल लगे, टीना डाबी रेगुलर 8 घंटे पढ़ती थी, सीरियस प्रिपरेशन उनकी 3 साल की थी। आप तो एक साल में बनना चाह रहे हो तो 12 घंटे तो पढ़ोगे, आप 3 दिन 12 घंटे सुबह 8 से रात 8 बजे आप यहां बैठ जाओ, कौन मना कर रहा है? और जो कुछ भी हो रहा डायरी में लिख दो, तीसरे दिन डायरी में लिखने भर का तुम्हारे पास जान नहीं बचेगी। तो सवाल यह है वेयर इज योर बॉडी एंड वेयर इज योर माइंड। अब 12 घंटे मान लो किसी तरह मेरे डर से बैठ भी गए थोड़ी देर, अब पता चला गाल पे हाथ रख के ओजांक से नहीं आ रहे हैं, थोड़ी देर टहल आए क्या, एक खाना बन गया, लेट तो नहीं हो जाएगा, क्या बना है खाने में, अब आप उसे दुनिया भर की जानकारी ले रहे हो, चले थोड़ी देर कोल्ड ड्रिंक पिए, नीचे दुकान खुली है क्या, होता ना आपके साथ, होता है कि नहीं होता है? फिर आपका मन, आपका शरीर बेचारा किसी तरफ बंधा हुआ है, मन आपका यहां नहीं है। तो जब तक आपकी बॉडी और आपका माइंड दोनों एक जगह नहीं होगा, बॉडी प्लस माइंड, तब तक वो आपके 8-9 घंटे 10 घंटे बैठने का कोई मतलब नहीं। टाइम टेबल हम बनाते हैं ऐसा लगता है दूसरे को दिखाना है कि कौन कितना क्रूरतम टाइम टेबल मुझे दिखाएगा, मैं उसको अवार्ड दूंगा कि आपने तो सर सांस भी लेना बंद कर दिया 24 घंटे, वेरी गुड, कीप इट अप, आगे बढ़िए। लोग ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं, तो आपको अपने हिसाब से अपने लिए बना रहे हो ना, वेयर यू आर। अब सपोज दैट मैं आपको एक मैथमेटिक्स देख रहा हूं, अगर आप 6 आवर्स बॉडी एंड माइंड दोनों के साथ आप एक एवरेज निकालो, जो मैंने आज डायरी मेथड सुबह बताया बस वही कर लो,
तो उसमें मैंने आपको प्रोडक्टिविटी बताया कि एक घंटा बैठ रहे हो तो दैट इज नॉट कैलकुलेटेड एज अ वन आवर, इट इज कैलकुलेटेड एज जितने मिनट आपने पढ़ा। और एक हफ्ते के अंदर आपकी बॉडी माइंड पता चल जाएगा, एक हफ्ते के अंदर, कि आप बेसिकली 6 आवर पढ़ रहे हो, 7 आवर पढ़ रहे हो, 5 आवर पढ़ रहे हो, रेगुलर पढ़ रहे हो। रेगुलर भी बहुत जरूरी, मान लो आपने एक 36 आवर का जो है टारगेट रखा पूरे हफ्ते भर में, 2 दिन आपने ड्रॉप कर दिया, मतलब आपने पढ़ा ही नहीं, कभी बीमार पड़ गए, कभी कुछ, एक तो बीमार पड़ना बड़ा शौक हो रखा है, तो आपके 6-6, 12 घंटे निकल गए, 12 घंटे कैसे पूरा करोगे? तो वेयर यू आर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आप टाइम टेबल बनाओ। अब मुझे पता है कि एवरेज अगर मैं 8 आवर्स पढ़ता हूं या 9 आवर्स पढ़ता हूं तो भी मिनिमम 1 साल मुझे लगेगा, इतना बड़ा कोर्स है, आपको अंदाजा हो गया होगा कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने, रिवीजन भी करना है, ऑप्शनल भी करना है, एसे भी करना है। तो अब मुझे एक्चुअल में कितना टाइम लगेगा, ये कर लोगे तो आप अपना पैसा भी बचा लोगे और टाइम भी बचा लोगे। मैं आपका पैसा बचा रहा हूं, क्योंकि 1 साल गलत तैयारी में स्ट्रगल करने में बीत गया, पता चला 1 साल बाद लग रहा है भाई साहब आईएएस हमसे नहीं होगा, अपना पैसा भी बर्बाद किया और टाइम भी बर्बाद किया। तो आपको क्या करना है, टाइम टेबल अपना फिक्स करके चलना है। अब हम क्या करते हैं यहां पे, चलो 4x4 कर लेते हैं। मैंने कहा टाइम बनाओ तो 4x4 का टाइम टेबल बनेगा। जितने भी गुरुकुल के स्टूडेंट हैं इस बात को बहुत ध्यान से समझ ले, 4x4 का टाइम टेबल ही उनका बनेगा, राइट? 4x4 में क्या है, हमारी एकेडमिक्स, इसको रख लियो, एकेडमिक्स में 2 पार्ट, जीएस एंड ऑप्शनल बोथ, जीएस प्लस ऑप्शनल प्लस न्यूज। डन। दूसरा फिजिकल हेल्थ, किसको किसको अब अंदाजा हो गया होगा कि फिजिकल हेल्थ उनकी सबसे बड़ी समस्या है, हर दूसरे तीसरे दिन शरीर साथ छोड़ दे रहा है, हो रहा है ना, और जब छोड़ दे रहा है तो 3 उसके बाद वापस लौटना और बड़ा मुश्किल काम हो रहा है, कई लोग तो लौटे ही नहीं। फिजिकल हेल्थ, ये टाइम टेबल है। मेंटल हेल्थ, सब परेशान है लेकिन परेशान की तरह घूम रहे हैं, सर होगा कि नहीं होगा, डर लग रहा है, पसीना आ रहा है, मेंटल हेल्थ, फोकस नहीं हो पा रहा है, ध्यान नहीं लग रहा है, किसी ने कुछ बोल दिया तो अपना रोने बैठ गए, अरे बोल दिया, अपने आप को अंदर से स्ट्रांग बनाओ। और स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल के बारे में मैंने तुमसे इससे पहले भी डिस्कस किया था, जैसे अब देखिए कल हमारे स्टूडेंट है, किन्होंने कल पौधा लगाया था, एक बार ताली हो जाए, कहा तो पूरी क्लास के लिए था। कल मैंने बोला था ना कि एक संडे अगर हमने एक पौधा लगा दिया मान लो, तो वो भी हमारी अचीवमेंट है। हमने नेचर को क्या दिया, स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट कि आग बंद करके ओम चिल्लाना नहीं है, स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट अपने पर्पस को जानना होता है, बहुत बड़ी चीज होती है। कल इन्होंने पौधा लगाया, सबको क्लास में बोला था लेकिन रिजिडिटी थी ना, संडे था सबके लिए, इन्होंने पौधा ले आके लगा दिया, हमारे बॉयज हॉस्टल के बच्चों ने पौधा लगाया। तो आपने नेचर को दिया कुछ, देखो आज ये देखो कुछ आया हुआ है ना, पढ़ो इसको, पहली लाइन क्या लिखी हुई है, राइट अगेंस्ट डाइवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ इक्वलिटी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे भाई साहब, क्लाइमेटिक चेंज आने वाले समय में कितना नुकसान पहुंचाने जा रहा है, ये लोगों से उनके सब कुछ छीन लेगा। और अगर हम छोटे छोटे प्रयास करें, हमारे गुरुकुल के बच्चे अगर हम ये पौधे लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, तो हमारे आने वाले टाइम हम क्या कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, दिस इज नोन एज स्पिरिचुअलिटी, हम लोगों की क्या हेल्प कर रहे हैं। नीचे ओजांग किड्स है, छोटे छोटे बच्चों को कभी पढ़ा के देखो, तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे वो, कभी बात बताना कि हम तुम्हें कुछ पढ़ाना चाहते हैं, उनको सिखा के देखो। तो दीज आर द स्पिरिचुअलिटी की जो तुमने नॉलेज कमाया है वो दे किसको रहे हो, तो ये स्पिरिचुअल, ये 4 पार्ट हो गए। इसमें भी हमारे 4 गोल्स, लॉन्ग टर्म जिसके तुम मास्टर हो, लॉन्ग टर्म 1 साल का 2 साल का जो गोल, अब कैसे बनना है लॉन्ग टर्म ये तुम देखो कि वाकई में मुझे 1 साल में करना है या 2 साल में करना है। आप चाहते हो तो आपका बस चले तो अगले महीने आप आईएएस बन के निकल जाओ, ठीक है। प्यार से अपनी मेंटल और अपनी फिजिकल हेल्थ के हिसाब से उसको मैनेज करो। दूसरा मिड टर्म गोल, क्या क्या मैं कर लूंगा, अपने स्किल सेट बनाओ कि 6 महीने बाद या 12 महीने बाद मेरे क्या क्या चीजें पूरी हो जाएंगी, मुझे कौन कौन से स्किल सेट्स आने चाहिए, ठीक है। इसके बाद शॉर्ट टर्म गोल,
इस वीक का मेरा गोल क्या होना चाहिए और इसके बाद इमीडिएट गोल, आज का मेरा क्या गोल होना चाहिए। अब इसमें भी बड़ा पैराडॉक्स है, जैसे हमारे एक बच्ची आई, बोले सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल पा रहा। मैंने कहा ये होता क्या है? बोले अलग से पढ़ने के लिए समय चाहिए। क्यों? तो फिर कोचिंग क्यों ज्वाइन की तुमने, क्लास क्यों ज्वाइन किया? तो बोले आज सुबह जैसे मैं टाइम टेबल बताया, बोले मैं क्लास जाता हूं। किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना, तो क्लास का टाइम आपकी पढ़ाई का टाइम नहीं है क्या? हम क्लास में तुमसे लूडो खिलवाते हो, रमी सर्किल बनवाते, तुमसे करवाते क्या हम लोग? सो क्लास का टाइम तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है भाई। जो तुम 10 किताबें पढ़ के सीखोगे वो हम तुम्हें शॉर्ट टाइम में बताते हैं, तो वो तो हम सबसे ज्यादा हम तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो इस क्लास को इतना, क्योंकि स्कूल से तुम यही करके आए हो, अब वो तुम यहां करने लगे हो। तो जो सेल्फ स्टडी होती है, अगर तुमने कोई क्लास ज्वाइन कर लिया है, तो सेल्फ स्टडी का मतलब होता है सिंपल सा कि मेरे टीचर ने मुझे जो पढ़ाया है मुझे उस पर रिफाइन करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं प्री और मेंस के, खत्म, रिवीजन करना है। इससे ज्यादा सेल्फ स्टडी मतलब और कुछ नहीं होता है। क्लास के साथ मुझे चलना है, ऐसा ना हो कि ज्योग्राफी खत्म हो जाए और हमारा जो बिस्मिल्ला भी नहीं हो रहा है, तो दिक्कत हो जाएगी वहां पे। ठीक है, तुम्हारी अभी हवा चलनी भी शुरू नहीं हुई, उधर जो है पता चला भारत का भूगोल समाप्ति की तरफ चला गया, तो वो नहीं होना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी, सेल्फ स्टडी का मतलब ही है रिफाइन करना, तभी तो आपने एक कॉस्ट लगाई है यहां पे आने के लिए, तो उसका महत्व तो समझो। और जब क्लास में बैठो तो पूरी ताकत से लिखते रहो जो कुछ बताया जा रहा है। तो ये 4x4 का सेटअप आपको तैयार करना है अपने हिसाब से, कि हमें इस तरह से अपना टाइम मैनेज करना। और जो कुछ भी है, एक बहुत बड़ा नियम याद रख लो, टाइम ही तुम्हारा मित्र है और टाइम ही तुम्हारा शत्रु है, दोनों कुछ यही है। और टाइम मैनेजमेंट का एक ही प्रिंसिपल मैंने अभी जीवन में जाना, और वो है टाइम का डॉक्यूमेंटेशन करना। टाइम का डॉक्यूमेंटेशन अगर आपने कर लिया तो टाइम आपका। अब जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूं, जो सुबह बताया था, फिर से कह रहा हूं, एक डायरी पुरानी सी खरीद लाओ यार, रद्दी के यहां से खरीद लाओ, कोई जरूरी नहीं कि 2024 की डायरी हो, सस्ती सी 10-15 रुपए की खरीद लाओ, एक पेज डेली मुझे दे दो बस, उसमें जो कुछ भी कर्म कुकर्म कर रहे हो उसमें लिख दो बस, और अपना प्रोडक्टिविटी निकाल लो। मैं तुम्हें बता दूंगा तुम्हें क्या कहां किसकी इसकी जरूरत है। छोटा सा सुबह बताया था, डेट डालो आज की, उसमें मान लो एक पेज सिंपल सी पुरानी सी कोई डायरी उठा लो, पिताजी वो नहीं LIC मिलती रहती है गिफ्ट विफ्ट, पुरानी घर में पड़ी रहती है, वही उठा लो, कोई दिक्कत नहीं, अपने हिसाब से डेट डाल लो। सिंपल मैंने बताया था, अपने हिसाब से एक टाइम टेबल बनाओ, और गुरुकुल के बच्चे गुरुकुल के हिसाब से बनाएंगे, अपने हिसाब से बनाना ही नहीं है, और जितना कह रहा हूं बस उतना कर दो। क्योंकि आज मैंने 360 में, कल किस्मत से क्या हुआ कि मेरा तबीयत रात में खराब हो गई, गुरुकुल के बच्चों से भी मेरी बात हुई, और इस समय भी बहुत ज्यादा खराब है, तो बस मैंने अभी 2 ग्लास ग्लूकोज पिया और खुद से बस 5 मिनट बोला कि कोई दर्द नहीं हो रहा है, तुम्हें क्लास पढ़ानी और अच्छे से पढ़ाना है। और कल जब बैठा तो न्यूज़पेपर में 360 मेरे दिमाग में आ गया, आज मैं तुम्हें न्यूज़पेपर 360 पढ़ाना सिखाऊंगा। और ये न्यूज़पेपर सबने पढ़ा है ना आज का, नहीं पढ़ा तो 10-15 मिनट पढ़ लेना। आज तुम्हें इसको बताऊंगा कि ये तुम्हारा आंसर राइटिंग या तुम्हारा मेंस का पेपर या प्री का पेपर कैसे बनता है, एक बार देख लेना, 10 मिनट का ब्रेक दूंगा, एक बार देख लेना इसको 360 कैसे पढ़ते हैं, तुम्हें बताऊंगा। और लास्ट डिबेट से इसमें कितने क्वेश्चन आज के न्यूज़पेपर में, ये भी बताऊंगा। तो 360 हम करंट अफेयर्स में यूज कर सकते हैं, आप देखना, अगर अच्छा लगे तो मुझे बताना। तो टाइम टेबल आपने लिखा, टाइम टेबल है ठीक है, 8, 9, 11 से 12 जो भी आपका टाइम टेबल है लिखो, इसके अगेंस्ट जो मुझे क्या चाहिए, प्रोक्रेस्टिनेशन तुम्हारा चाहिए, ठीक है, कि भाई 8 बजे तुम एग्जैक्टली बैठ गए कि नहीं बैठे, या थोड़ा सा टाल मटोल करके 8-10 पे बैठे। तो यहां पर मैंने क्या बताया था सुबह, कि आप इसमें एक्चुअल टाइम और लॉस दोनों लिखोगे। एक्चुअल टाइम तुम्हारा क्या है, मान लो तुमने कहा 20 मिनट मैंने पढ़ाई की या 40 मिनट पढ़ा, अपने आप से झूठ नहीं बोलना। तो एक तुम्हारा था टारगेट, टारगेट था कितना 1 आवर इस शेड्यूल में, आपने पढ़ा कितना 40 मिनट्स, लॉस कितना हुआ 20 मिनट्स, ये आपको बनाना है, ये सारे सेटअप में करते जाना है, क्लियर। फिर इसके साथ मैंने आपको बताया था टास्क या टारगेट जो भी है, हमेशा डायरी में पहले से लिख के रखो, ये मेरा टाइम ज्योग्राफी के लिए, मेरा टाइम रिवीजन के लिए, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया ना तो आप पढ़ने बैठोगे लेकिन दिमाग कहेगा हिस्ट्री पहले करें, मूड नहीं कर रहा है ना न्यूज़पेपर पढ़ने। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि अगर वो डिफाइन ना करे मेरा ये टाइम किसके लिए है तो वो फिर कुछ भी कर रहे होते हैं, ईमानदारी से बताओ, 1, 2, 3, 4, 10, 15 ईमानदार वाले, ईमानदारी से
कि वो पढ़ने बैठ रहे हैं, हो कुछ और रहा है। क्लियर? तो टास्क डिफाइन कर लो और ये काम एक रात पहले कर लो। फिर सोने से पहले, तुम्हारी नींद उड़ाता हूं मैं, सोने से पहले एक बॉक्स मुझे बना के दे दो और ये मैं देखूंगा। क्योंकि पिछले बार जो सैटरडे को मैंने मेंटरशिप लिया तो बड़े पापी थे, उन्होंने अपना कैमरा ऑन नहीं किया और मैंने वो फोटो खींच के रख ली है, स्क्रीन की फोटो मैंने खींच के। मैं तुम्हारा गुरु हूं और गुरु तुम्हारा जो है, मैंने पहले भी कहा था, हम मास्टर थोड़ा जटिल किस्म के हैं, मन पढ़ते हैं तुम्हारा। तो इस बार मुझे सबकी डायरी चाहिए। इसमें दो चीज, पहली बात वीक का टारगेट रखोगे, हर वीक का टारगेट लेके चलो। हम दो चीजों पे फोकस कर रहे हैं, एक इमीडिएट गोल और एक शॉर्ट टर्म गोल, ठीक है? हम दो चीजों पे फोकस कर रहे हैं। इस वीक का टारगेट लो, आज मंडे है, तुम्हारा इस वीक का टारगेट होना चाहिए। मैं तुम्हारा समय निकलवाऊंगा, देखो कैसे निकलेगा। ये जो भी लोग रोना रोते हैं कि साहब टाइम नहीं है, बहुत भी नहीं है, मैं टाइम निकलवा रहा हूं, बस मेरा मेथड फॉलो कर लो, ठीक? आप वीक का टारगेट बनाओ, 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे, या जो गुरुकुल में हम दे रहे हैं उतना मिनिमम, प्लस 2 आवर्स गुरुकुल का टारगेट, प्लस 2 आवर्स, ये आपका काम है। तो आप अपना टारगेट लेके चलिए। तो मैं अभी आपको टारगेट लिख के दे दे रहा हूं, वीक का टारगेट इंटू सिक्स, मतलब 8 घंटे का टारगेट है तो 48 आवर्स हुआ। आपको 48 आवर्स सिटिंग कंप्लीट करनी है। 48 आवर्स हो गया, ये जो सारे बच्चे करते हैं 48 में, मुझे ये क्या चाहिए? प्रोडक्टिविटी चाहिए कि एक्चुअली में कितना तुमने पढ़ा। अगर 40 मिनट पढ़ा तो 40 मिनट लिखो। इससे क्या होगा, तुम्हें एक बहुत बड़ा फायदा होगा, मुझे टाइम निकालना कहां से, मुझे सोना कैसे कम करना है, मुझे कहां जो है अपना टाइम बचाना है, ब्रेक्स कैसे शॉर्ट करने हैं, वो हम देखेंगे। इतना आपको मिनिमम मेंटेन करके चलना है, मुझे ये चाहिए। और जितना भी आपका लॉस हुआ है इसको रेड कलर के पेन से रख लेना, यानी एक दिन में आप कितना टाइम लॉस करते हो। मन भटकता है, फोन आता है, हम किसी से बातचीत करने लगते हैं, तो ये क्या हो गया, ये सारा का सारा लॉस यहां पे कवर करना है। तो ये दो चीज मुझे डेली चाहिए, एक पेज। आप करके देखो, जिन स्टूडेंट ने रेगुलर मेरे कहने पे किया है उनका एक फीडबैक बड़ा अजीब आया है, बोला सर हम इसकी तरफ देखने, क्योंकि मैं इसको प्लॉट कराऊंगा अभी, बोले सर डर के मारे उधर देखने की इच्छा, नींद आनी बंद हो गई कि हमारा कितना आउटकम कितना खराब आ रहा है। हम सोच रहे थे हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमारा जो है वो चीजें खराब चल रही हैं। लेकिन आप कब तक भागोगे, आपको अपना टाइम मैनेज करना है। अब जरा देख लेते हैं, अब हमारे गुरुकुल 1 ईयर के जो बच्चे हैं उनका टाइम 5+3 या 4+4 है, याद रखिएगा। चलिए, तो सुबह 10 बजे से उनकी क्लास है, 10 to 12 उनकी पॉलिटी है, ठीक है? अभी जो वीक डेज की हम बात कर रहे हैं, वीकेंड्स के बारे में बाद में बात करेंगे। इसके बाद 12-15 मेरी क्लास है, इसमें एक क्लास और एड ऑन हो जाएगी या तो पॉलिटी एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है? 150-130 मेरी क्लास है, 360 की ये क्लास है, इसमें पूरा आउटकम तुम्हारा आना चाहिए। इट मे बी कि हम इसको एक्सटेंड कर दें, ठीक? ये इसके बाद आप लंच के लिए चले जाएंगे और 1 घंटे अपना रेस्ट किया जो भी करना है, इसके बाद आप लाइब्रेरी के लिए बैठ जाएंगे। मैं देख रहा हूं कई लोग भाग जा रहे हैं, सिटिंग देनी है आपको, बैठो यार यहां पे, घूमते फिरते हम अपना आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लाइब्रेरी के लिए एक साथ ऐसे बैठे हो, बैठे रहो नीचे जाके फर्स्ट फ्लोर वाले में सेगमेंट में बैठ जाओ, ठीक है? चाहे वो न्यूज़पेपर पढ़ना हो, रिवीजन करना, इसमें रिवीजन का टाइम आपका जरूर होना चाहिए, जो कुछ भी पढ़ रहे हो रिवीजन। अब जिनको शॉर्टर टाइम में देना है उनका रिवीजन थोड़ा सा अलग तरीके से होगा, उनका रिवीजन होगा आरएफआर पे। रिवीजन के भी कई मेथड होते हैं, रिवीजन इनका चलेगा आरएफआर पे, मतलब जो कुछ भी पढ़ रहे हो सिंपल एक क्वेश्चन की डायरी बना लो, क्वेश्चन की कॉपी बना लो, क्वेश्चंस करने हैं रिकॉर्ड रखो कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन और मेंस के क्वेश्चन। जिनको इमीडिएट एग्जाम देना है बस, और कोई तरीका नहीं है। रिवीजन, इनका रिवीजन का टाइम ज्यादा होना चाहिए, इनका रिवीजन का टाइम ज्यादा होना चाहिए। 1 आवर करंट डॉक्यूमेंट्स पे आपको देने हैं, करंट योजना कुरुक्षेत्र। अब देखिए कल दीपशी ने जो शेयर किया कुरुक्षेत्र, आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, ठीक है? पंचायती राज, इस बार जो कुरुक्षेत्र आई है पंचायती राज से, भाई साहब उसके आर्टिकल क्वेश्चंस हैं, पंचायती राज सीधे आपका जीएस पेपर 2 का पार्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। उसमें एक आर्टिकल दिया हुआ था कि कैसे ग्रामीण जो पंचायतें हैं, ग्राम सभा महिलाओं के जो है सशक्तिकरण में योगदान देती हैं,
तो ये सारे टॉपिक हैं यूपीएससी के, आपको आप इन डॉक्यूमेंट्स के लिए टाइम दें। तो आपको क्या करना है इसके बाद, आपको सिंपली 7 बजे तक यहां रहना है। कई लोग भाग जा रहे हैं बिस्तर की ओढ़ में, ठीक है चलो भाई भागते हैं, 7 बजे तक आपको यहां पे रखना है। 10 से 7 कितने घंटे हो गए, 10 से 7 कितने घंटे हो गए, लो 9 घंटे। ये 9 घंटे आप गुरुकुल में रहेंगे, प्लस 2 आवर्स आप देंगे ऑप्शनल के लिए, अगर अभी आप कर रहे हैं तो, और नहीं कर रहे तो सिर्फ जिनको 24 देना है वो सिर्फ एक काम, आज मैंने सुबह टारगेट दिया था 150-200 क्वेश्चन लगा डालो, क्वेश्चन लगा डालो, पूरे हफ्ते भर हम उसी क्वेश्चन को खाएंगे। क्वेश्चन अटेम्प्ट कर डालो, जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सके अटेम्प्ट कर डालो, जितने ज्यादा पॉसिबल हो सके। और खाना खाने के बाद उन्हें किसी से बात नहीं करनी है, जिनका भी प्रिलिम्स है क्या करेंगे वो, फ्लैश कार्ड किसके किसके पास है मोबाइल में, किसके किसके पास है फ्लैश कार्ड्स, हाँ जो मैंने बताए थे पुराने पापियों, अभी भी जैसे छोटे छोटे कार्ड, अभी भी आपको खाना खाने के बाद वॉक करना है 15 से 20 मिनट, और वॉक करते समय जितने कॉन्सेप्ट्स हैं फ्लैश कार्ड पे उसको ऊपर ऊपर लिख लो उसके बारे में हेडिंग्स, जैसे मान लो फंडामेंटल राइट या कोई भी चीज पढ़ रहे हो प्रियम्बल, आप लिख के उसको बस रिवाइज करते रहो, बोल बोल के टहलते रहो, कहीं अंदर ही गार्डन है हमारा, कहीं पर भी जाओ या वाटिका में चले जाओ और वहां पर आराम से बस टहलते रहो, उसको रिवाइज करते रहो। यारी दोस्ती सोशल मीडिया इसको थोड़ी देर के लिए बाहर कर दो, जो पढ़ा है आप टहल देंगे, भोजन भी आपका पचेगा, ठीक है, डीप ब्रीदिंग करेंगे, मन को शांत करेंगे, और 20 मिनट आप बोल बोल के रिवाइज करेंगे, बोल बोल के, अकेले अकेले निकल जाए, अकेले घूमिए, गुरुकुल में बहुत जगह घूमने के लिए, ठीक है हो जाएगा। ये सिंपल सा फंड है 2 ईयर वालों के लिए, ये मॉर्निंग में लाइब्रेरी में बैठ जाएंगे, बड़े आराम से घूमते रहते, ये भी इनकी मॉर्निंग लाइब्रेरी शुरू हो जाएगी, कैंपस में 8 घंटे रहेंगे वो, ठीक है कैंपस में वो 8 घंटे रहेंगे, मेरी 360 से उनकी क्लास शुरू होगी और शाम तक उनकी क्लास जाएगी, ठीक है 6:30 से 7 बजे तक वो क्लास जाएगी। तो ये आपको मॉर्निंग में लाइब्रेरी का सेशन है और इवनिंग में, ये जिनका इमीडिएट है वो मॉर्निंग में क्लास करेंगे और शाम को लाइब्रेरी करेंगे, डन है। तो गुरुकुल इसीलिए आपको अब खींचेगा 8 से 9 घंटे, लेकिन ये डिसिप्लिन मैंने पहले भी कहा था कि अब आप थोड़े से बड़े हो गए हो शारीरिक रूप से, तो हम बहुत ज्यादा कुटाई पिटाई करने में थोड़ा सा हमें आनंद तो आएगा, आपको नहीं आएगा, आप इसको दिल पे ले सकते हो, हर्ट हो सकते हो, क्योंकि पिछले कई सालों से आपकी कायदे से कुटाई पिटाई हुई नहीं है। तो आप डिसिप्लिन के लिए स्वयं से आगे आओ, क्योंकि ये सारा जो हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, थोड़ी देर के लिए समझो किसके लिए हो रहा है। और अगर तुम सब कुछ खुद के लिए प्लान कर सकते थे तो यहां आए क्यों, एक सवाल है। और यहां अगर तुमने गलती की तो आदमी गलत डिसीजन ले रहा है, वो अपनी गलती पे पश्चाताप क्यों नहीं कर रहा है, दोनों चीजें। और अगर यहां आ गए हो तो यही के हिसाब से चलो ना, हम सेल्फ स्टडी करेंगे, हमें अपने रूम में स्टडी करने, हमें पता तुम्हारी रूम में कौन सी स्टडी होती है, ठीक है, कैसे आप दीवार के सहारे पीठ लगा के बैठते हो, धीरे 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 कब आपके खर्राटे जो है कमरे में गूंज रहे होते हैं, है ना, कितनी देर चकल्लस चलती है, बैठके होती है, वो सब नहीं करना है, बॉडी को आदत डालो। तो ये टाइम टेबल सबके लिए समझ में आ गया, तो 2 ईयर वाले भी सुबह आ जाएंगे लाइब्रेरी में और उनका फर्स्ट हाफ में लंच के बाद उनकी क्लास शुरू हो जाएगी, क्लियर। और आप लोगों का आप क्लास करेंगे और फिर यहां से जाएंगे नहीं, बस एक चैलेंज दे रहा हूं, 12 घंटे बैठ तो जाओ, एक दिन पता चल जाएगा इतना पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, एक साल 12 घंटे तुम्हें रेगुलर पढ़ना चाहिए, 6 दिन कम से कम मिनिमम। अब तुम देख लो कितने दिन लोग बैठ सकते, कितने लोग बैठेंगे 12 घंटे चैलेंज में, हम वीडियो लगवा दें। हमारे एक बड़े मेधावी छात्र ने कहा कि सर मैं 75 डेज का चैलेंज ले रहा हूं गुरुकुल में, तो मैं सोच रहा हूं 3 चैलेंज कर देते हैं गुरुकुल में, एक 75 डेज स्टडी चैलेंज, एक हमारे स्टूडेंट बहुत अच्छा योग करते हैं सूर्य नमस्कार चैलेंज इनका कर देते हैं, 75 डेज में आप कितना सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, और एक मेडिटेशन का चैलेंज शुरू कर देते हैं स्पिरिचुअल एंड मेंटल हेल्थ को लेके,
ठीक है, तो ग्रुप बना देते हैं, कौन कौन चैलेंज अपना डील करेगा, रेडी? तो 12 घंटा बैठे गुरुकुल में, आ जाएं सुबह किसी दिन 8 बजे, आ जाएं, और रात में 8 बजे तक, पक्का? देख लो, एक पेपर पे साइन कर दो और घर वालों को बता दो कि जो भी कुछ होगा उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। 12 घंटा चैलेंज लोगे? रेडी? तो चलो, कब से शुरू करें? मंदिर मस्जिद जहां जहां जाना चले जाओ। देखो कुछ लोग सोच रहे हैं ईद के बाद रखिए जरा, है ना, वो देखो मैं मन पड़ता हूं भाई। हाँ क्या हुआ, कब से, कब से? अब कोई जवाब ही नहीं दे रहा। रुद्र कब से है? क्यों 12 घंटे पढ़ोगे तो पढ़ाई से दूर थोड़े ना हो जाओगे? 12 घंटे नहीं पढ़ा जाएगा, फिर इतना ज्ञान क्यों भाई? जिनका 24 में एग्जाम है, जिनको जून में एग्जाम देना है, उनके लिए तो ये 12 घंटा कम है। उनकी आंखें इस समय सूजी होती हैं, वो 4-5 घंटे ज्यादा सो ही नहीं पाते हैं। उन्हें नहा, इस समय जो है सीरियस स्टूडेंट, उसका चेहरा ही अलग होता है इस समय। ये जो तुम बाल में एकदम चमक उमक डाले हो, ये सब होता ही नहीं, हो एकदम पागल से दिखते हैं। दाढ़ी वाड़ी बड़ी होगी, आंखें सूजी होंगी, पजामे में घूम रहे होंगे एकदम। इस समय उनकी बस केवल और केवल पढ़ाई चल रही है, जिनको सीरियस इस समय एग्जाम देना है। और तुम्हें 24 देना, तुम कह रहे हो 12 घंटा नहीं पढ़ा जाएगा। क्या बोला था अभी? अभी देखो सामने हो जाएंगे, सब प्रैक्टिकल दिखाते हैं। देखो बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि ज्यादा लोग एग्जाम, एक कैंडिडेट तो डाउन। कितने लोग 12 घंटे चैलेंज में बैठना चाहोगे? चलो एक पेपर पे साइन करते हैं, पक्का? बैठते सुबह 8 से रात 8, घबराना नहीं है। पहली बात तो पता चल जाएगा कितनी देर फोकस हो, और एक डायरी ले रहा, जो कुछ भी हो रहा है वो लिखते जाओ, ठीक है? खूब क्वेश्चन लगाएंगे, खूब पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, 12 घंटा कुर्सी से चिपक जाना है, पक्का? गुरुकुल चैलेंज शुरू, और मैं रिकॉर्डिंग कराऊंगा, पक्का? तो चलो आज अभी एक पेपर फाड़ो, और जो लोग नाम लिखना चाहते स्वेच्छा से अपना नाम लिखें। हैं? अब चेयर क्या करोगे? क्यों यहां बैठना है 12 घंटा? सुबह 8 बजे यहां से ये खुल जाएगा, आप चाहे तो रूई की गद्दी बनवा लें, ये मैं आपको सुविधा दे रहा हूं। आप एक जो है वो जाके 100-150 रुपए का फॉर्म आता है, आप ले लें, मैं आपको इतनी सुविधा दे सकता हूं। हैं? बस हो गया, आप एक फॉर्म लेके घूमे और अगर आप 12 घंटा बैठेंगे तो आप ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाएंगे, आप ट्राई तो करिए। कितने लोग हैं चैलेंज में? अब देख रहे हाथ कम, पक्का? सुबह 8 से रात 8, पक्का? डन। चलो गुरुकुल के स्टूडेंट इतिहास रचने जा रहे हैं, ठीक है? हाँ? हाँ ब्रेक मिलेगा, ब्रेक, स्ट्रेचिंग, ब्रेक में मैं बताता रहूंगा तुम्हें क्या करना है। आपको कुछ भी हो जाए 12 घंटा इस चेयर पे बैठना है, डन। हाय, क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली। भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांक गुरुकुल कैंपस। यहां हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांक गुरुकुल कैंपस। बिकॉज व्हेन वी सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेस, द होल यूनिवर्स विल सपोर्ट यू एंडलेसली।